चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग 22 जुलाई को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से हुई, जिसके 7 सितंबर को चांद की सतह पर उतरने की संभावना है। तो वहीं चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम ने 4 सेकंड के लिए उल्टी दिशा में चलने की पूर्व निर्धारित प्रक्रिया सुबह 8:50 में मंगलवार को पूरी कर ली। तो वहीं चाल बदलने की जो अगली प्रक्रिया है वो कल यानी 4 सितंबर को दोपहर 3:30 से लेकर 4:40 के बीच पूरी होगी। ये प्रक्रिया चांद के दक्षिणी ध्रुव का रुख करने के लिए अपनाई जा रही है। दरअसल लैंडर विक्रम की चाल बदलने की पहली प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बता दें कि इसमें एक सेंट्रल इंजन और 3 सहायक इंजन लगे हैं। बीते दिनों जब विक्रम ने 4 सेकंड के लिए चाल बदली तो उसके पीछे लगे इंजन में आग पैदा हुई। इसी तरह बुधवार को भी इंजन में आग जलेगी। इससे विक्रम के एक तरफ के हिस्से का एल्टीट्यूड 100/100 से घटकर 100/35 हो जाएगा, यानी विक्रम के एक तरफ का एल्टीट्यूड ज़्यादा जबकि दूसरी तरफ का एल्टीट्यूड कम हो जाएगा। इस कम एल्टीट्यूड के कारण चांद की सतह पर उतरना आसान हो जाएगा। तो यहीं आपको बता दें कि इसमें चंद्रयान 2 में लगा प्रोपल्सनट सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। साथ ही बता दें कि इससे पहले चंद्रयान 2 ने सोमवार को एक अहम पड़ाव पार किया है, जिसमें वो दोपहर करीब 1:15 इस यान से विक्रम नाम का लैंडर अलग हो गया। इसी लैंडर और 6 और 7 सितंबर की रात चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना है, जिसके सतह छूते ही वैज्ञानिकों को चंद्रमा से धरती की वास्तविक दूरी का पता चल जाएगा, जो अभी तक पहेली बनी हुई है। तो वहीं खबर ये है कि 7 सितंबर को चंद्रयान 2 चांद पर उतरेगा। गौरतलब है कि इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 से लैंडर के अलग होने की तुलना उस बेटी से की है जो मायके से ससुराल की ओर निकल चुकी है। पीछे रह गया ऑर्बिटर चांद का एक साल तक चक्कर लगाएगा। खैर, चंद्रयान 2 का सफल होना ये देश के लिए बड़ी सफलता होगी। SPN 9 न्यूज़ रूम से श्रुति की रिपोर्ट।